वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये है फ्री स्टाइल, ठीक है। फ्री स्टाइल में स्मूथ हाथ सिखाने कैसे चलाने हैं, ये इस वीडियो में मेरा सारा मेन टॉपिक रहेगा। किकिंग मतलब कि मेन बात ये है कि टोटली फ्री स्टाइल स्मूथ कैसे करें, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सारी स्विमिंग से रिलेटेड टिप मिलने वाली है। तो एक चीज़ बता दूँ, जिनको नहीं ये चीज़ आती तो उसके लिए मैंने पार्ट बना रखे है 111, बिल्कुल एकदम इजी और आपको सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आपने हाथ खींचना है, कैसे आपने किकिंग चलानी है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबे है उसके लिए सॉरी, पर आपका बेनिफिट है अगर आप पूरी देख लोगे तो आपको इजी सॉफ्ट चलाने लग जाओगे। तो चलो स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दूसरा है स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आज की वीडियो है हाउ टू लर्न स्विमिंग। जिनको स्विमिंग आ गई है उनकी जो छोटी छोटी मिस्टेक है वो कैसे दूर करें, अपने आप को सॉफ्ट कैसे मतलब कि एकदम आराम से कैसे स्विमिंग करें, ठीक है। तो कुछ चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ग्रुप में मेरे वीडियो भेजते हैं, मैं वो वीडियो का रिप्लाई कर रहा हूँ मेन, तो क्योंकि 3-4 जनों की वीडियो आई थी, ठीक है, कईयों ने पर्सनल भेजी, कईयों ने ग्रुप में डाली। तो कोई भी ऐसा कुछ होता है कि आपकी कुछ टेक्निक गलत होती है तो अपनी छोटी वीडियो बना के मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में डाल सकते हो, और फालतू का कुछ भी मत डालना, ना गुड मॉर्निंग का मैसेज, ना गुड नाइट का वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ स्विमिंग और मोबाइल से रिलेटेड कुछ होगा तो पूछ लेना, ओके। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि जैसे कि जो बिगनर होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं स्विमिंग सीखना, उनको कुछ स्टार्टिंग से फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, जैसे कि जब सांस लेते हैं लेग्स नीचे चली जाती हैं, जब सांस लेते हैं लेग्स नहीं चलती, और जब हाथ चलाते हैं वो कैसे गलत चलाते हैं और कैसे उसको सही करना है। पहली बात ये है कि आपको जैसी भी जैसी तैसी भी आपको स्विमिंग आ जाती है फेस अंदर करके, खासकर कई मैंने देखा है कि जो मुझे वीडियो भेज रहे थे जो गहरे पानी में तैर रहे थे, वो फीमेल कोई था, ठीक है, वो ऐसे ऐसे मुंह फेस बाहर करके तैर रहे, वो बिल्कुल स्विमिंग गलत है, ठीक है, वो तो आपने कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि आज अगर आप ऐसे करके स्विमिंग करते भी हो तो पहले किक की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, मतलब कि ब्रीथिंग जो फ्लोटिंग फ्लाटिंग होगी है, उसके बाद अगर आप पहले किक की करो, अगर आपको आगे हाथ पैर मारने आगे तो सबसे ज़्यादा किकिंग की प्रैक्टिस करो, उसके बाद हैंड मूवमेंट की, जैसे कि अभी भाई ने वीडियो भेजी थी, बहुत अच्छा तैर रहा है भाई तू, बस तेरी कमी क्या है, तेरी किक की प्रैक्टिस कम है, किक स्लो चल रही है, किक को फास्ट चलाना है। उसके बाद की जो हैंड मूवमेंट है, ये खासकर हैंड मूवमेंट देख लेना कि हैंड मूवमेंट हम सीधा नीचे लेके आते हैं, जब आगे लेके आना होता है तब भी ये सीधा लेके जाते हैं, और सांस लेने के लिए जब पानी के अंदर होते हो ना तो आप ऐसे फेस बाहर निकालते हो जो ये फेस बाहर आ जाता है, ठीक है। पानी के अंदर आप जितना कम निकालोगे, जब आप फेस पानी से बाहर निकालते हो ना तो आपका बैक नीचे चला जाता है और लेग्स रुक जाती है चलने से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहली बात हाथ को ऐसे लेके जाना है, पूछ पीछे मारना है, ठीक है, हैंड मूवमेंट चलाने के लिए आपने ये चीज़ ऐसे पीछे मारना है। और दूसरी बात, जब इसको आगे लेके आना है इसको टाइट करके नहीं लेके आना, ऐसे नहीं लेके आना, इसको ना या नीचे चलाया, इसको फोल्ड करो, फिर आराम से लेके आओ, मतलब ये फोल्ड आराम से, ठीक है, ये फोल्ड आराम से, इसको पता क्या होता है, जब हम हाथ पूरा सीधा मारते हैं तो बॉडी हमारी ऊपर आती है, क्योंकि ये मूवमेंट जो हैंड मूवमेंट है ये नीचे जा रही है ना, तो नेचुरली इसका प्रेशर जो ऊपर को आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये पीछे यहाँ इस पोर्शन से इस पोर्शन पे जाता है तो हमारी बॉडी आगे जाती है, फिर जब ये ऊपर जाता है तो हमारी बॉडी नीचे जाती है, ये प्रोसेसर रहता है इस हैंड का, जो पूरा हाथ चलाते हैं, हम पूरा हैंड चलाते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग में ये चलेगा, पर उसके बाद धीरे धीरे आपने करेक्शन करनी है कि हैंड ऐसे लेके आना, इससे क्या होगा, आपने यहाँ हाथ गया वहीं से प्रेशर पीछे को आएगा और आपका प्रेशर बॉडी का आगे को जाएगा, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे आता है ना, इसको सीधा नहीं लेके आना, इसको हैंड को सीधा नहीं लेके आना, मतलब कि एल्बो सीधी करोगे तो टाइट हो जाएगी, ठीक है। जब ये यहाँ पे निकल गई तो इसको हल्का सा फोल्ड किया, आगे फेंक दिया, ठीक है। ये चीज़ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने ऐसे बेंड हो जाना, मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे यहाँ दिक्कत हो रही है, पता नहीं मसल खींच गया मेरा और शायद अच्छे से ना, चलो इस हाथ से कर देता हूँ। तो क्या करना है, आपने ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ की देखो, ये मैंने पूरा खींच दिया, इस बात को ध्यान रखना कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है बाहर प्रैक्टिस करनी है, ये यहाँ तक गया, इसके बाद ये कान के पास आएगा, फिर आगे जाएगा, ठीक है, ये कान के पास, ये चीज़, इसमें आपकी बॉडी ज़्यादा नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि चेक कर सकते हो कि मेरी बॉडी नहीं ज़्यादा हिलेगी, मतलब कि जो छोड़ रहा है यही चलेगी, ये पीछे तक गया, ठीक है, फेस में आगे ही है पानी के अंदर, ठीक है, ये चीज़, ये चीज़, जब आप हाथ ऐसे लेके आओगे ना तो आपका जो बॉडी है वो नीचे नहीं जाएगी। दूसरी बात कि हाथ की फिंगर्स ऐसे रखनी, ऐसे रखनी है, ठीक है। तीसरी बात, जब पानी में हाथ जाएगा तो ये ऐसे ऐसे नहीं बजना चाहिए, मतलब कि ये पानी है उसमें ऐसे हाथ नहीं बजना चाहिए, इसको हल्का ज़्यादा टर्न कर लो, ठीक है, आगे फेंकना होता है, हमने जितना सीधा हो गया फिर आगे जाना है, हल्के से ऐसे अंदर किया फिर आगे, मतलब कि हाथ पीछे से
आगे आया, हल्का सा अंदर किया आगे, ठीक है। इसको हल्का सा ऐसे रखना, आपको ऐसे होने के बाद सीधा कर देना, फिर इसको ऐसे खींचना, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि हैंड मूवमेंट को कैसे एक्यूरेट करना है, मतलब कि सही कैसे चलाना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है बाहर, करो 200 बार करो, 300 बार करो, 400 500 बार करो। ये चीज़ की आप बाहर प्रैक्टिस करोगे तो माइंड पानी में तभी काम करेगा जब बाहर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद किकिंग की प्रैक्टिस, आप घर में जैसे स्विमिंग करते हैं फ्री में, ऐसे ऐसे उल्टे लेट के आपने किकिंग की प्रैक्टिस करनी है तेज तेज। जितनी तेज आप बाहर करोगे उसमें आपके एब्स भी आएंगे, पेट भी कम होगा, और पानी में भी आप जल्दी कर पाओगे। आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी कि हाँ भी हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है, तो वो चीज़ आपकी चलेगी चलेगी। जब आप सांस भी लोगे तो भी चलेगी। तो कोशिश करनी है, आप बिगिनर हो, आपने अभी अभी स्विमिंग स्टार्ट की है, या फिर अभी अभी आपको स्विमिंग आई है, कुछ प्रॉब्लम है जो प्रैक्टिस से ही दूर हो जाएंगी। जैसे कि कई कहते हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो प्रैक्टिस से दूर हो जाएगी, ठीक है। किकिंग की प्रॉब्लम है वो भी प्रैक्टिस से दूर होगी, ठीक है। हैंड मूवमेंट की है वो भी प्रैक्टिस से दूर होगी। पर मेरा काम है कि छोटे छोटे टिप्स बता देना ताकि आप प्रोफेशनली कर सको, जो उनके लिए जिनको थोड़ी बहुत स्विमिंग करनी आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और साउंड क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना। तो क्या करना है, जब आपने ये हाथ पीछे किया ना, सांस लेने के लिए आपने आगे वाला पार्ट नीचे करना है और हल्का टर्न करना है, ठीक है। ये पानी इतना फेस बाहर आएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इतना फेस बाहर रहे हो, पर ये रखना कि ये पानी में रहे, ये पानी से बाहर ऐसे ना आए। आप सांस लेते हो, ये चीज़ ये पोर्शन बाहर आ जाता है, मतलब कि आपने सांस लेना, आप ऐसे लेते हो, ऐसे नहीं लेना, टर्न करना है इसको ऐसे। इतना टर्न करोगे और ये हाथ पीछे होगा, ये शोल्डर होगा, तो आपका फिर अंदर, ठीक है, फिर ठीक है। ये चीज़ करनी है, और हाथ को कभी भी टाइट नहीं चलाना, मतलब पूरा सीधा जोर से मारना है। पानी को उतना प्रेशर देना जैसे कि आप पानी में नॉर्मल हाथ बो के इसको इतना प्रेशर दे, ठीक है। माइंड को ये चीज़ रीड करते रहना है, पानी के अंदर जब स्विमिंग करनी है सोचना कुछ और है कि कौन सी चीज़ में गलती हो रही है। हैंड मूवमेंट के बारे में सोचोगे तो आप करोगे। क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं स्विमिंग की तो कोई भी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, बस वो हाथ चलता जाता है। अगर आप माइंड को पानी में स्विमिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि हाथ में ऐसे करना है और ऐसे करना है, ये सोच के हाथ चला रहे हो तो आप सही हाथ चला पाओगे, आप टेक्निक को फॉलो कर पाओगे। मैं ये करता हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं, पर मैं ये करता हूँ। जब मेरी कोई चीज़ करेक्शन गलत होती है तो उसके ऊपर मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो उसको सोचता हूँ कि ये चीज़ क्यों गलत हो रही है, ठीक है ना, और ये चीज़ कैसे सही होएगी, ठीक है। जब मैं पानी में जाता हूँ तो मैं इसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते आपको सांस चढ़ने लग जाती है। जैसे मुझे टेक्निक सारी पता है कैसे क्या करना है, कैसे क्या होना चाहिए, पर इसके ऊपर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता क्योंकि मेरे दो चैनल है, साथ में मुझे टिकटॉक पे भी वीडियो बनानी होती है, साथ में मुझे शॉप भी देखनी होती है, और साथ में ग्रुप भी देखना होता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी देखना होता है, कमेंट के रिप्लाई करने होते हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी होती है, अपडेट करनी होती है, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। पर प्लीज़ इसलिए मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपका सवाल है सिर्फ वही पूछो, कोई गुड मॉर्निंग का, कोई फालतू की इमेज, या कोई किसी की बच्ची खो गई है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालना। ग्रुप बहुत है, मैं कहता हूँ डालो आप, पर स्विमिंग बाय मनी ग्रुप में नहीं जाना डालना, जिसमें टेक्निकल लवली और स्विमिंग बाय मतलब कि दोनों चैनलों का मैं वर्क करता हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपको नुकसान होगा अगर आप डालते हो। कैसे, मैसेज बहुत सारे आ जाएंगे, गुड मॉर्निंग के आ जाएंगे, फिर मैं मैसेज इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं व्हाट्सअप चलाऊँ। मैं अपना व्हाट्सअप सिर्फ अपने चैनल के लिए चलाता हूँ, ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब कि किसी के साथ चैटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं करता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतना, ठीक है ना। आपको हफ्ते की दो वीडियो देनी होती है तो कोशिश रहता है कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूं और आपको स्विमिंग सीखने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई, किकिंग की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, और बकायदा आपको बता भी दिया कि किकिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया। तो प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों पर गौर किया करो। हैंड मूवमेंट आपको समझ में आ गई, सांस कैसे लेना है आपको हल्का टर्न करना लेना है, ठीक है। नाक से जब आप हाथ वो अंदर जाएगा ना, जब नाक फेस अंदर जाएगा तो आपने तुरंत बबलिंग करनी है, छोड़नी है, ज़्यादा नहीं छोड़नी है, आराम से छोड़नी है, छोड़नी है। ये भी नहीं कि हाँ भी मेरे पास और सांस आएगा मैं और पूरा खाली करने के बाद ही बाहर निकाल दूँ ना, करो और फेस लो। एक चीज़ रखना है कि जब आपने सांस अंदर लेना है उसको ज़्यादा जोर से नहीं खींचना, आराम से खींचना, फिर मुंह अंदर, फिर मुंह अंदर, ऐसे खींचना है। दूसरी बात कि मुंह में पानी आ जाता है पूल में छोड़ दो, कान में पानी चला जाता है ऐसे करोगे वो सही हो जाएगा। वो 7 से 8 दिन स्टार्टिंग के होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। वो इसलिए होता है कि कान का पर्दा गिल्ला हो जाता है, जो कान के ऊपर हमारे डस्ट होती है वो दिक्कत करती है। कुछ 6 से 7 दिन, 15 दिन लगा लो, उसके बाद आप अगर आप 1 महीना कंटिन्यू कर रहे हो तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
कई कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी जो कान में पानी होता है वो ऐसे करोगे तो निकल जाएगा, पर जो पर्दा गिला होता है उसके कारण आपको कुछ दिन फेस करना ही पड़ेगा। और आप सरसों के तेल का एक तुपका भी डाल सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि जब आप पूरी स्विमिंग सीख जाओगे, समर शॉल्ट कैसे मारनी है, डॉल्फिन कैसे करनी है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है, आई होप कि मैंने आपको स्विमिंग से रिलेटिव टिप्स दे दी होंगी। चलो आप जाते जाते मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप बिगनर हो, मतलब कि आपको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, तो आप मेरी पूरी वीडियो देख ली आपने, अगर आप फिर भी चाहते हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ जल्दबाजी में। सबसे पहले हम ब्रीथिंग सीखते हैं, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो बस पानी के अंदर फेस करना सीखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा डर दूर हो जाए। मतलब कि कुछ नहीं करना, आपने सांस रोकना है, पानी में जाना है, फिर बाहर आ जाना है, बस यही चीज़। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जो छोटी बच्ची है 3 साल की, 3 से 4 साल की, दिया के नाम से है, मैं उसको कांटो बुलाता हूँ, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, देख के आपको मोटिवेशन मिलेगी, साथ में आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई बच्चों के ऊपर वीडियो बना, बच्चों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। पहले डर दूर करने के लिए आपने सिर्फ फेस, कोई हवा नहीं, मतलब कि सांस सूंस नहीं लेनी, छोड़ना है, अंदर जाना है, बाहर आ जाना, ठीक है। उसके बाद आपने धीरे धीरे मुँह से छोड़ना है, मुँह से लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने मुँह बंद करके नाक से छोड़ना है, मुँह से लेना है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद आप ब्रीथिंग अच्छे से आ गई, उसके बाद आप फ्लोटिंग करो, ठीक है। फ्लोटिंग में दिक्कत आएगी, लेग्स बार बार नीचे जाती है, कोई बात नहीं, जैसे ऊपर आएगी आप किकिंग करनी स्टार्ट कर दो तो किकिंग आपकी फ्लोटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट स्टेप हैंड मूवमेंट की, हैंड मूवमेंट की बाहर भी प्रैक्टिस करनी है, पानी के अंदर भी करनी है। किकिंग के साथ साथ आपने हाथ चलाने, ठीक है, डॉग पैडलिंग लिया, सांस लिया, फिर हाथ चलाने, डॉग पैडलिंग लिया, सांस लेना, फिर हाथ चलाने। जब आपको किकिंग और हाथ दोनों चलाने आ गए, फिर आप सांस के ऊपर वर्क करो, सांस कैसे लेना है, ब्रीथ कैसे करना है फ्री में, ठीक है। फिर उसके ऊपर वर्क करो, फिर देखना आप ऐ चुटके में 4 से 5 दिन में आप स्विमिंग सीख जाओगे। अगर एक दिन 5 स्टेप है, अगर आप एक दिन एक वर्क कर देते हो, एक स्टेप के ऊपर पूरा कंप्लीट करके उसकी वर्क करते हो, फिर दूसरे दिन दूसरा करते हो, पर याद रखना जब एक की है ना तो दूसरे दिन दोनों का करना है, ठीक है। तीसरे दिन तीनों का करना है, चौथे दिन चारों का करना है, पांचवें दिन पांचों का करना है, उसके बाद आपकी स्विमिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने काफ़ी है, मुझे टिकटॉक इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी सॉरी जगह मुझे फॉलो किया करो, सपोर्ट करो अच्छे से। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय, थैंक यू। और हाँ, इसका थंबनेल क्या है, हाउ टू लर्न स्विमिंग, पता नहीं क्या है, आ जाएगा। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार, मुझे जो सपोर्ट करते हैं इतना ग्रुप में मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब कि मैं जब कोई डाल देता है फालतू की वीडियो, पता क्या होता है, दिक्कत ये आती है कि जब कोई नया ज्वाइन करता है ना, उसको नहीं पता होता, वो वीडियो देख के ज्वाइन कर लेता है, पर उस वीडियो में मैंने ये भी बोला होता कि फालतू की चीज़ नहीं डालनी, वो फिर भी डालते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सारे साथ देना मेरा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्विमिंग बाय मनी को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग डालता हूँ और अदर गैजेट की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, थैंक यू वॉच द वीडियो।